आप पधारे। वैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो रखा नहीं था, लेकिन फिर भी मीडिया बहुत ज़रूरी होता है। आपको असुविधा भी हुई होगी, बाहर रखा होगा, उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने एक यहाँ कंडक्ट और रूल बना रखा है कि जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंगें होंगी वो उसको हम करेंगे। लेकिन चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें लगा कि ये आपसे चर्चा करें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा करें, मैं भी करूँ, ये हमारी जो 33 व्यक्तियों की जो स्टेट कमेटी थी उसकी मीटिंगें हुई है। पूरी यात्रा का किस प्रकार स्वरूप रह गए, कहाँ कहाँ से ये गुजरेगी, कहाँ कहाँ से आएगी, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होंगी, 15 कमेटियां हैं, उनको क्या व्यवस्थाएं करनी है। परसों से हम लोग जो कमेटियों के लोग हैं प्लस मैं, हम लोग परसों से वहाँ उन जिलों के अंदर जाएंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, ठहरने की, खाने की, होर्डिंग्स की, प्रचार प्रसार की, आप लोगों के व्यवस्था की, मीडिया की व्यवस्था की, और तमाम साफ सफाई जितने भी मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, सबके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। ये प्रतिदिन सिलसिला हमारा चलता रहेगा, कभी 5 से, कभी 10 से, कभी 20 से। कंट्रोल रूम हमने PCC में स्थापित कर दिया है, वहाँ पर जो राजस्थान यात्री कौन रहेंगे, अतिथि यात्री कौन रहेंगे, क्या क्या इवेंट होंगे, किस तरीके से राहुल जी का कार्यक्रम होगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं और हमें AICC से जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं उनसे जो अप्रूवल हमको मिलेगी, वैसे वैसे हम कार्यक्रमों को निर्धारित करते जाएंगे। तो मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आप मीडिया के सभी लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं, आपकी रहने की, चलने की, आगे वैन की और की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर देंगे, और जैसे जैसे जो जो कार्यक्रम होंगे, जिस तरीके के होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे पूरी बात आ जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि जो वार रूम में आज बैठक हुई है उसमें जो चर्चा हुई है उसके माध्यम से जो अपना संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, वो अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी ने जो बताया अभी आपको, अध्यक्ष जी स्वयं जाके आए तीसरी बार, दूसरी बार, और उसी अनुभव के आधार पर आपको शेयर किया गया है कि राजस्थान की यात्रा भी बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगी। राजस्थान ने माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कई जगह तो यात्रा निकालने लगे लोग जिलों के अंदर। जयपुर में 5-6 यात्रा निकल चुकी है भारत जोड़ो की, यहाँ तो भारत जोड़ो सेतु बन गया है जयपुर के अंदर। तो जोधपुर से यात्रा शुरू हुई है 10-12 दिन पहले, वो जाएगी ठीक दिल्ली तक जाएगी। तो कहने का मतलब लोगों में यात्रा का उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी, और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के देशवासियों में, जो कि तनाव है, हिंसा है। तो राहुल जी का संदेश स्पष्ट है पूरे मुल्क के अंदर, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्रवाई चल पड़ा है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी यात्रा है, और राजस्थान के अंदर बहुत शानदार तरीके से लोग आएंगे। हम भी अपील करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि सबके सहयोग से ही यात्रा बहुत शानदार कामयाब हो। एक मैसेज जाए भारत सरकार पे, दबाव पड़े कि महंगाई का मुद्दा देशव्यापी बन चुका है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर उनको ले डूबेगा, तो समय रहते हुए आप कदम उठाइएगा जिससे कि राहत मिले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और शांति, सद्भाव, विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ हिंसा होगी विकास नहीं होगा। तो ये मुद्दे जो हैं ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि यात्रा को सफल बनाएंगे। तो पूरी तैयारी अध्यक्ष ने कर रखी है, कमेटी बना दी है, कमेटी के मेम्बरों को बुला के बात कर ली है, मीटिंग आगे भी ग्रुप बना के होती रहेगी विभिन्न कमेटियों की, अध्यक्ष जी मॉनिटरिंग करेंगे, तमाम व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग यात्रा को पूरी संपन्न करवाएंगे। सर 23 और 24 के लिए गेम चेंजर है यात्रा, आप मानते हैं गेम चेंजर साबित होगी 23 और 24 के लिए? देखिए यात्रा तो राहुल गांधी के बारे में पूरे मुल्क में जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं आपके यूट्यूब से भी, और जो डिस्कशन होते हैं इंटेलेक्चुअल के, पत्रकारों के और लेखकों के, आप भी देखते होंगे जो इमेज राहुल गांधी जी की जो डैमेज करने का खूब प्रयास किया था BJP सोशल मीडिया ने, उनकी धज्जियां उड़ गई है। राहुल गांधी नए रूप में सामने आए हैं, एक समर्पित, प्रतिबद्ध, और किस प्रकार देश को लीडरशिप दे वो, किस प्रकार जो ये बैठे लोग फासिस्ट लोग बैठे हैं देश के अंदर,
तो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। धज्जियां उड़ाने संविधान की, लेखक पत्रकारों को और साहित्यकारों को जेल में डाल रहे हैं। आलोचना संविधान को पसंद नहीं है, जो आलोचना करता है या असमझ व्यक्त करता है वो देशद्रोही है, इनके इनकी नजर के अंदर राष्ट्रद्रोही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, 70 साल तक इस देश में लोकतंत्र कायम रखा कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी और देश को एक रखा, अखंड रखा उस मुल्क के अंदर। राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु फिर भी ये बेशर्माई से जिस रूप में इनके राष्ट्रीय और राज्य नेता बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही लेते नहीं लेते हैं, जो त्याग बलिदान कुर्बानियां करी है आजादी जंग के अंदर, वो तमाम फ्रीडम फाइटर का नाम गायब कर दिया गया है। ये क्या द्योतक है, ये द्योतक है फासिस्टी प्रवृत्ति का है, जो खतरनाक होते हिटलर की तरह होती है। इतने में कहना चाहूंगा कि ये यात्रा ने पूरे मुल्क को एक मैसेज दे दिया है और जनता उठ खड़ी हुई है। वक्त बताएगा किस प्रकार इनको जनता जवाब देती है वक्त आने पर। आज इनकी हालत गुजरात में खराब हो गई है, जो गुजरात के अंदर मोदी जी हर वीक क्यों जाते हैं, वहां पर हर वीक जा रहे हैं, 3-3 दौरे कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कैंप कर रखा है। तो जो खुद के स्टेट के अंदर प्रधानमंत्री जी की स्थिति यह है, आप सोच सकते हो कि देश में क्या होगी। तो तमाम तरीके से हम देखें, ऐतिहासिक निर्णय था AICC का, ये खाली कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये देशव्यापी यात्रा है, देश की यात्रा है। इसमें कोई भी एक्टिविस्ट जा सकता है, आप लोग जा सकते हो, पत्रकारी हैसियत से भी, और मगर पत्रकारी हैसियत से भी जा सकते हो, ऐसे पत्रकार आप ज्वाइन कर सकते हो यात्रा को। इस प्रकार से तमाम लोगों को लेकर चल रही यात्रा चल रही है, और इसीलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं, एडवोकेट भी जुड़ रहे हैं, साहित्यकार जा रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जा रहे हैं। कल योगेंद्र यादव जी आए थे जयपुर के अंदर, यहाँ तमाम एक्टिविस्ट की मीटिंग हुई है जयपुर के अंदर भी, करीब 100 लोगों की, और सब में उत्साह था, हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे यात्रा को। ये यात्रा उस एक संदेश देने वाली यात्रा है। सर, आपके शोषण के साथ ही मैं बात करना चाहूंगी कि न तो DIPR अप्रूव्ड है, न RNI अप्रूव्ड है, ऐसे लोगों को 10-10, 20-20 लाख के विज्ञापन दिए जा रहे हैं सर। तो शोषण को सर हमारे यहाँ से खत्म करें, सबसे पहले शोषण राजस्थान का विरोध कर रहे हैं कि हम विजय बैसला ने कहा कि यात्रा नहीं आने देंगे। कौन कह रहे हैं? विजय बैसला जो गुजरात के समझौते में थे। ये तो काशी थे, ये तो लोकतंत्र है, हम संविधान को आधार बना के राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को स्वच्छता को बोलने का हक है, वो बोल सकते हैं। हम उनकी कोई मांगे हैं, मान लीजिए कोई डिमांड है, उनका कोई सुझाव है कौम के लिए है, वर्ग के लिए, तो हम उनकी सुनवाई करेंगे, उनकी शिकायतों दूर करने का प्रयास करेंगे। बोलने का हक हम नहीं छीन सकते, बीजेपी RSS की विचारधारा है, बोलने का हक छीन नहीं। सर, OBC आरक्षण का जो मसला है, OBC संगति वाला जो मसला है, समाधान निकल रहा है सर आज शाम को कैबिनेट में? आज कैबिनेट हम पोस्टपोन किए हैं, आज हम लोग सब इस यात्रा में बिजी हो गए थे, कल मीटिंग हुई कैबिनेट की। देखिए, OBC का मुद्दा ये जो है, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोतासा जी ने सबसे बात कर रखी है, मुझसे बात भी करी है, मंत्रिमंडल में एक बार डिस्कशन भी हुआ, ये भी तय हुआ कि जो सब पक्ष है, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पूर्व सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, हमें गर्व है कि राजस्थान के अंदर सैनिक जो है, जो शहीद हो रहे हैं आज भी गांव गांव के अंदर, ये शहीदों की धरती भी है राजस्थान, गर्व करने वाली धरती है कि कारगिल के अंदर तो मैं 54 जगह खुद गया था, उनके पैकेज जो मैंने दिए, हिंदुस्तान में किसी राज्य में पैकेज नहीं दिया गया है पूर्व सैनिकों के परिवार वालों को, उनके माँ बापों को दिया हम पैकेज, परिवार वालों को दिया, जो आज सबको मालूम है, उनके इंटरेस्ट भी वाच करेंगे। और OBC के नौजवानों की मांग भी वाजिब है, क्योंकि जो मांग उनकी है वो टेक्निकली गलती हुई है, पिछली गवर्नमेंट से हुई है, और हमने पूरा सर्वे करवाया पूरे देश के अंदर 16 राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लागू राजस्थान में भी होगा। हम चाहेंगे कि कैबिनेट डिस्कशन करें आपस के अंदर,
और फैसला करें हम लोग। अन्याय उनके साथ में किसी रूप में नहीं होगा। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है, उस मांग में दम भी है। हमने पूर्व सैनिकों के अधिकारियों से बातचीत भी करी है, उनको विश्वास भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो भी वो तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर किया है, अपनी जान की बाजी लगा के सेना में भर्ती हुए हैं, उनके इंटरेस्ट भी पूरे बात होंगे। दोनों पक्षों के साथ में पूरा न्याय होगा। मैं अपील करना चाहूंगा, इतना सेंसिटिव मामला ये है, मैं तमाम पक्षों से भी अपील करूंगा, तमाम जो समर्थन में है चाहे वो किसी पक्ष में हो उनसे अपील करना चाहूंगा। मेरी मार्मिक अपील उनसे भी है कि राज्य के हित में और ओबीसी के नौजवानों के हित में और पूर्व सैनिकों के हित के अंदर प्लीज आप इस मुद्दे को इस प्रकार नहीं बनाए कि जातिगत मुद्दा बन जाए। ये कोई राजपूत और जाटों का मुद्दा नहीं है। जो इस प्रकार की ध्वनि निकल रही है, मुझे दुख होता है कि 40 साल से मैं देख रहा हूं, आज जाट हो, राजपूत हो, गुजर हो, मीना हो, कोई कम्युनिटी राजस्थान की हो, सबको हम नजदीक लाने का प्रयास किया कांग्रेस ने आज तक। ये पिछली बार में बना था मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, तब हमने गुजरों को मीणाओं का भी मैंने यहाँ मौन जुलूस निकलवाया था शांति के लिए, एकता के लिए। हमारी थीम वो रहती है। जाट राजपूतों का हम कॉलेज वक्त में 50 साल पहले सुनते थे कि झगड़े होते थे, आज कहाँ झगड़े होते हैं। उनमें आपस में संबंध है, आपस में भाईचारा है, वो टाइम चला गया। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है जातियों में, राजपूत जात की बात लीजिए, हर जाति वर्ग के अंदर थोड़ी बहुत मनमुड़ा चलता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी कोई स्थिति पैदा कर दें और ज्यादा दूरियां बढ़े। ये किसी भी व्यक्ति के लिए स्वच्छता के लिए उचित नहीं है। आप निश्चिंत रहो, सरकार निर्णय करेगी, सबके पक्ष में करेगी, उनको न्याय मिलेगा। सर 21 की जगह 27% भी करेंगे क्या सर? उसकी एफएसएल रिपोर्ट आ गई और उसमें ये कहा गया कि पूरी तरह भ्रष्टाचार उसमें हुआ था, यहाँ तक कि नट बोल्ट की सब पुराने जंग लगे हुए लगाए गए, ये एफएसएल रिपोर्ट में कहा है। देखिए यही तो हमारी शिकायत है, मैं कल ही आया हूँ गुजरात से। आप बताइए, एक हादसा हुआ, 135 लोग मारे गए। मिस्टर मलिकन खड़े जी ने कहा, जो हमारे अध्यक्ष बने, मुझे भी उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने मैसेज दिया, आप जाइए वहाँ पर दौरा कीजिए, परंतु हम इमीडिएटली आरोप नहीं लगाए किसी पे। कितनी बड़ी बात थी कि क्योंकि घटना में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है किसी को मालूम नहीं है। हमारे नेता हमें कह रहे हैं आप आरोप किसी पर नहीं लगाएंगे, आप खाली जांच की मांग करो कि हाईकोर्ट का सिटिंग जज या रिटायर्ड जैसे जांच करवाएं। जांच में जो सामने बात आएगी उसमें एफएसएल रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके बाद में जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर के अंदर लोग चिंता करेंगे कहीं हमने गलती करी तो हमें सजा मिल सकती है। ये तो सिंपल बात है, उसको वहाँ की सरकार ने नहीं माना गया। बताइए आप, प्रधानमंत्री जाके दौरा करके आ गए, वहाँ 70 लोग मारे गए शराब पी करके, कोई जांच नहीं हो रही वहाँ पर, कोरोना के अंदर लापरवाही से पूरी बदनाम हुई सरकार, वहाँ पर जीप चढ़ती गई सड़कों पर, वहाँ पर सब देश ने देखा, मुख्यमंत्री से सबको बदल दिया गया, तो हालात बड़े गंभीर है वहाँ पर। तो मोरबी की घटना अभी लेटेस्ट हुई है, उसके बाद में आप अगर जांच भी नहीं करवाओ, वहाँ की गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, खुद ने संज्ञान लिया, ये नौबत क्यों आई है। ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि चुनाव के अंदर मुद्दे बने हुए हैं, और ये इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमने की जो कहावत है वो वहाँ देखी जा रही है कि सब जगह गांव गांव जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 4-4 दिन के दौरे हो रहे हैं वहाँ पर, हर वीक में आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं वहाँ क्या स्थिति है। सर बदलाव हो रहा है गुजरात में, परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं मेरा मानना ये। अब आएंगे क्या तो टाइम बताएगा। हिमाचल में तो आप पार्टी गायब हो गई, ये भी रहस्य है। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वहां पर ये पार्टी, आप पार्टी, वहां भी रोड शो की उन्होंने, खूब वादे किए जैसे गुजरात में कर रहे हैं वो वादे, राजस्थान में आने की संभावना भी वो वादों के आधार पर है। दाल गलने वाले नहीं यहाँ पर, पहले से हमने इतनी योजना बना रखी है उसका मुकाबला देश में कोई राज्य नहीं कर सकता है। हमने जो योजना बनाई राजस्थान में,
वैसी योजना पूरे मुल्क में कहीं पे भी नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी के, आपने अपना कैंपेन पूरा वीटो क्यों कर लिया, सभापति बंद क्यों कर लिया? क्या बीजेपी से अभी मिली भगत है? और वहां गुजरात के अंदर भी टेम्पो 20 दिन पहले उनका था, वो नीचे क्यों आ गया? ये तमाम जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, ये वो शक्ति है जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ना केजरीवाल जी का है ना मोदी जी का है। ये फासिस्ट लोग हैं, कुछ रूप में ये देश चलाना चाहते हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मानना है केजरीवाल जी के झूठे वादे भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत सारे हमने देख लिया, केजरीवाल के रूप को देखा, वो रूप को भी देखा। शाहीन बाग में जब धरना दिया जा रहा था लंबा, और ये बात करते थे धर्मनिरपेक्षता की, गायब हो गए केजरीवाल, खुद गायब हो गए। पूरा अपना गणित भाग देख रहे हैं, मैं चुनाव के लिए जीतू। देश बहुत समझदार है, ऐसे लोग सबक सिखाएगा। सर, राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकल रही, क्या राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जिन राज्यों में यात्रा नहीं पहुंच पाई वहां के कुछ बड़े नेताओं को भी बुलाया जाएगा भाग लेने के लिए? एक बात स्पष्ट कर दूं, ये मांग गुजरात में उठी थी कि चुनाव में गुजरात में क्यों नहीं आए, हिमाचल क्यों नहीं गए। एक देखिए, यात्रा इस देश के अंदर हमारे संस्कार में, संस्कृति में, परंपराओं में जो यात्री होता है, पदयात्री, उसका सम्मान करता समाज, ये सदियों से है। यहाँ पे भी यही हुआ कि यात्रा का मार्ग बन गया, पर संदेश जो होता है यात्रा का, वो पूरे मुल्क के लिए होता है। आज राहुल गांधी की जो यात्रा है, उनका जो संदेश मैंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई और जो हिंसा नहीं होनी चाहिए, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की जो उनकी थीम है, ये संदेश पूरे मुल्क के अंदर जिन राज्यों में यात्रा नहीं गई है, इंक्लूडिंग गुजरात, हिमाचल, वहाँ के गाँव में और हर घर में पहुँच चुका है कि राहुल गांधी की यात्रा काय के लिए है। तो जरूरी नहीं कि राहुल गांधी सब जगह जा सके, जहाँ तक बुलाने का सवाल है, अध्यक्ष जी सबको बुलाएंगे, जो उनको जिनको शूट करेगा वो आएंगे यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि एक मैसेज जाएगा यहाँ पर, चाहे पब्लिक मीटिंग हमारी हो अलवर के अंदर और चाहे पूरी यात्रा हो, आप देखेंगे, आप सबको इन्वाइट किया अध्यक्ष जी ने, हम चाहेंगे कि आप अपने संपादकों से बात कर लीजिए, अध्यक्ष जी के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए उनसे आग्रह कर लीजिए। हम चाहेंगे कि राजस्थान का मीडिया, खाली दिल्ली का नहीं, राजस्थान का मीडिया भी ये पूरे शानदार यात्रा को खुद साक्षी बने। धन्यवाद सर। नया प्रभारी मिल रहा है क्या राजस्थान को?